हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ घर पे नहाने की साबुन किस प्रकार से बनाते हैं। मुझे बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, तो जिसमें मुझे बोल रहे थे कि घर पे नहाने की साबुन बनाकर दिखाओ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ घर पे नहाने की गुलाब जल सोप बेस किस प्रकार से बनाते हैं। गुलाब जल सोप बेस बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा। वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। गुलाब जल सोप बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमको गुलाब जल की आवश्यकता पड़ेगी, फिर हमको कोकोनट ऑयल और विटामिन के कैप्सूल और ग्लिसरीन, इनके अलावा हमको एक सोप बेस की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हमको एक मोल्ड की आवश्यकता पड़ेगी जिसके अंदर हम साबुन को जमाएंगे। इन सब की सहायता से हम घर पे गुलाब जल सोप बेस बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक सोप बेस लेंगे। इन सोप बेस को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार काट लेंगे। जितनी हमको साबुन बनानी है हम उतनी सोप बेस को हम काट लेंगे। सोप बेस आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर सोप बेस आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर भी इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। सोप बेस काटने में बहुत ही मुलायम होती है, जो कि आपको चाकू या किसी कटर की सहायता से बहुत ही आसानी से कट जाएगी। देख सकते हो सोप बेस कितनी ट्रांसपेरेंट होती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपकी साबुन भी खराब हो सकती है, इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना। देख सकते हो मैंने सोप बेस के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में पीस के अंदर काट लिया है। अब हम दोस्तों हम सोप बेस को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए सोप बेस को हम एक कटोरी के अंदर डालेंगे, फिर दोस्तों हम डबल बॉयलर विधि की सहायता सोप बेस को मेल्ट करेंगे। देख सकते हो दोस्तों, मैंने पहले सबसे पहले पानी गर्म कर लिया है। अब दोस्तों डबल बॉयलर विधि की सहायता से हम सोप बेस को मेल्ट कर रहे हैं। देख सकते हो हमारे सोप बेस मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम चम्मच की सहायता से थोड़ा मिलाएंगे ताकि हमारे सोप बेस आसानी से मेल्ट हो जाए। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे सोप बेस जल्दी से जमे नहीं। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारी सोप बेस मेल्ट होकर तैयार हो चुकी है। फिर इसके अंदर कोकोनट ऑयल के 3 चम्मच ऐड करेंगे। इस प्रकार से मैंने चम्मच की सहायता से इसके अंदर 3 चम्मच कोकोनट ऑयल के ऐड कर लिया। फिर अगले स्टेप में हम गुलाब जल लेंगे। गुलाब जल के हम 3 चम्मच ऐड करेंगे। इस प्रकार से मैंने गुलाब जल के भी 3 चम्मच ऐड कर लिया। फिर हम विटामिन का कैप्सूल लेंगे, जिसमें से हम 1 विटामिन का कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने इस प्रकार से विटामिन के कैप्सूल को इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर दोस्तों अगले स्टेप में हम इसके अंदर ग्लिसरीन लेंगे, जिसमें से ग्लिसरीन का हम 1 चम्मच ऐड करेंगे। तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। इस प्रकार से हमने सारा प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर हम एक मोल्ड लेंगे, इस मोल्ड के अंदर इस सोप बेस को डालेंगे। सबसे पहले हम इस मोल्ड के अंदर कोकोनट ऑयल लगा देंगे ताकि हमको साबुन निकालने में बहुत ही आसानी हो। अब हम दोस्तों अगले स्टेप में इस मोल्ड के अंदर हमारा जो सोप बेस था वो सोप बेस के अंदर डाल देंगे। अब हम इस सोप बेस को 1 या 2 घंटे के लिए कहीं छाया वाले स्थान पर जमने के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद हमारे साबुन बहुत ही बड़े तरीके से जमकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हो। अब हम इस साबुन को इस मोल्ड से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट के जरिए बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आपको साबुन बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ज़रूर देंगे। देख सकते हो हमारे साबुन बहुत ही बड़े तरीके से जमकर तैयार हो चुकी है।
अब दोस्तों इस साबुन को आप नहाने के लिए आसानी से उपयोग में ले सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों मैंने गुलाब जल से बहुत ही बड़े तरीके से साबुन बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इस साबुन के दो पीस कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने साबुन के दो पीस कर लिया। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।